रॉबर्ट डॉल। इस गुड़िया के पास जाने से ही कई लोगों के कार एक्सीडेंट्स हुए हैं, कई लोगों का डिवोर्स हो गया है, कई लोगों के रिलेटिव्स मर गए हैं, जिंदगी तहस नहस हो गई है। जिंदगी में कुछ भी करना इस रॉबर्ट डॉल के पास यानी फिजिकली पास कभी मत जाना। ये डॉल आपके घर से 13,000 किलोमीटर दूर है, ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में। इस म्यूजियम में ये गुड़िया एक पवित्र शीशे में बंद है। ये बहुत सेफ बात है भाई, थैंक यू बोलो कि ये शीशे में बंद है। मैं एक गुड़िया खिलौना और जिंदगी के खात्मे को आपस में क्यों जोड़ रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत रिस्क लिया है मैंने। क्या रिस्क, पता चल जाएगा आपको। स्टार्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम। नाम तो एक सामान्य म्यूजियम की तरह है और दिखने में भी सामान्य म्यूजियम है। गूगल पे प्रोफाइल है, 4.5 रेटिंग है। हैप्पी हैप्पी नहीं, सामान्य होता तो मैं बताता क्यों इसके बारे में। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक म्यूजियम। इस म्यूजियम के स्टाफ खुद डरते हैं वहाँ काम करने से, लेकिन सैलरी के चक्कर में कुछ लोगों को मजबूरी में इसके अंदर काम करना पड़ता है। बात यह है कि इस म्यूजियम का जमीन हॉन्टेड नहीं है, ना ही इस म्यूजियम का बिल्डिंग हॉन्टेड है, और ना ही इस म्यूजियम के अंदर मौजूद 99.99% चीजें। इस म्यूजियम में पड़ा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हॉन्टेड है और उसी ने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये म्यूजियम घर है रॉबर्ट द डॉल का। अभी दुनिया में हर कोई इस डॉल के बारे में बात कर रहा है। इसका फोटो देखकर आप इसको अच्छे से पहचान लो, और कभी मौका मिले इस डॉल के सामने फिजिकली जाने का तो ना ही जाओ, तो अच्छा होगा आपके लिए। इससे अच्छा आप मालदीव्स चले जाओ, लेकिन इस डॉल के सामने मत जाना। मैं अपने सब्सक्राइबर भाई को खोना नहीं चाहता। मत जाना बे, समझता क्यों नहीं, नहीं जाना तो नहीं जाना है ना। इसे चेतावनी समझो या धमकी, कुछ भी हो नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम। कई लोग 4 लाख रुपए 6 लाख रुपए ऐसे ऑफर्स को ठुकरा दिया है, और ऑफर क्या था, सिर्फ इस डॉल से मिलना और उसके सामने 10 मिनट अकेले रहने का चैलेंज। कोई भूत प्रेत माने या ना माने, श्रापित चीजों को माने या ना माने, आस्तिक हो या नास्तिक, लेकिन जब इस डॉल के सामने जाने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। कोई ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि जिस डॉल के बारे में लोग इतना बुरा कहते हैं उसके आंखों से आंखें मिले। भाड़ में गए 6 लाख, जान प्यारी है, फोन के अंदर इस डॉल को आप देख रहे हो तब तो आप सेफ हो, लेकिन अगर म्यूजियम जाके इस डॉल के आंख में आंख मिलाओगे तो न जाने कब तक इस डॉल की नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। कई हिम्मती लोगों ने ये बात कही है कि जब म्यूजियम में घुस के सामने से इसकी फोटो खींचने का ट्राई करते हैं तो कैमरा बार बार ब्लर होने लगता है। नॉर्मल जगहों पर भी फोटो खींचने पर ब्लर, फोकस, आउट ऑफ फोकस होता है, लेकिन इस गुड़िया के तरफ कैमरा करने पे ज्यादातर समय वो ब्लरिनेस हटता ही नहीं है, और जो बड़े कैमराज होते हैं वही इस डॉल के अच्छे फोटोज सामने से खींच पाते हैं, और इसलिए इसका फोटो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इस डॉल का पूरा नाम है रॉबर्ट द डॉल। कुछ आवाज आया ना। फिलहाल भूतों की कैटेगरी में सबसे फेमस फिल्म है द कॉन्ज्यूरिंग, और उस फिल्म में जो डॉल दिखाया गया था एनाबेल, रॉबर्ट द डॉल को आप उसका भाई भी कह सकते हो। इतना मजाक करना तो ठीक रहेगा ना है। एनाबेल को लोग दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल मानते हैं, लेकिन वही लोग ऐसा मानते हैं जिसने रॉबर्ट डॉल के बारे में ना सुना हो। इस रॉबर्ट डॉल के आतंक के सामने एनाबेल कुछ भी नहीं है। रॉबर्ट डॉल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो यही कहते हैं कि इतनी खतरनाक चीज आज भी एग्जिस्ट क्यों कर रही है भला। ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखे इस डॉल के सामने जाकर जब इससे कोई इंसान रियल लाइफ में आंख से आंख मिलाता है तो तुरंत इंसान के मन में आत्मक सोच आने लगती है। उदाहरण जैसे रिश्तेदारों की मौत दिखने लगती है, और इंसान के दिमाग के अंदर किसी के भी जिंदगी का जो भी सबसे बड़ा डर होता है वही सच हो रहा है। आंखों के सामने ऐसा दृश्य आने लगता है इस डॉल के सामने। तो कहां से आया ये डॉल? ये डॉल 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। साल है 1904।
अमेरिका में एक परिवार था और इस परिवार का घर की वेस्ट नामक एक आइलैंड पे था और परिवार में रॉबर्ट ओटो नामक 4 साल का एक बच्चा था। उस बच्चे की मम्मी का नाम था एलिजाबेथ और पापा का नाम था थॉमस और उस घर में एक काम करने वाली यानी एक मेड भी थी। उस मेड का नाम आज तक कोई नहीं जान पाया और ना ही उसके ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल है। और जरूरी बात यह है कि उस मेड ने ही घर के बच्चे को रॉबर्ट डॉल को गिफ्ट में दिया था। नोटिस करना, बच्चे का नाम रॉबर्ट था और रॉबर्ट ने अपने डॉल को भी अपना ही नाम दिया था, रॉबर्ट रॉबर्ट। और उस बच्चे को जब से ये डॉल मिला था तब से वो इसका फैन हो गया था। अब बच्चों का दिमाग तो आपको पता ही होगा, किसी के भी फैन बन जाते हैं, खिचड़ी खाने वाले व्लॉग्स के भी फैन बन जाते हैं, है ना। वो बच्चा उस गुड़िया के साथ खेलता था, खाता था, अलमारी के अंदर उस गुड़िया के लिए एक अलग स्पेशल जगह बनाया था। कुछ 1-2 हफ्ते तक सब नॉर्मल था, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ? परिवार में सब सो रहे थे। अब आपको पता ही होगा कि अमेरिका में बच्चा 4 साल का होता नहीं कि पेरेंट्स उनको अपना अलग रूम दे देते हैं ताकि बच्चा बचपन से ही अकेले रहना सीखे और स्ट्रॉन्ग बने। अमेरिका की कल्चरल सोच है। तो बच्चा भी अपने कमरे में सो रहा था। रात के 3:07 हो रहे थे, मम्मी पापा को अचानक से बेटे की चीखने की आवाज सुनाई दी। तुरंत मम्मी पापा दौड़कर ऊपर गए और देखे कि बच्चा रूम के कोने में छुपा हुआ है। उन्होंने बेटे से पूछा कि क्या हुआ। बेटे का जबड़ा कांप रहा था और वो इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। उसने बस अपने कांपते हुए हाथ को ऐसे ऊपर किया और उस डॉल के तरफ पॉइंट किया। वो डॉल बेड पे सीधा बैठा हुआ था और उसकी आंखें बेटे के तरफ थी। पर पेरेंट्स ने कहा कि बेटा ये तो सिर्फ एक खिलौना है, तुम इतनी शैतानी क्यों करते हो, इतना नाटक क्यों करते हो। उस बच्चे ने कहा कि ये डॉल अपने आप चल रहा था। पेरेंट्स ने फिर बच्चे को ये कहा कि गोली बेटा मस्ती नहीं, और फिर पेरेंट्स बच्चे को समझा कर मना कर नीचे चले गए, नीचे अपने रूम में चले गए। अब आप ही बताओ, आपके घर में कोई बच्चा है और वो कहेगा कि प्योर कपड़े का एक डॉल रूम में अपने आप चल रहा था, तो क्या इस पे कोई यकीन करेगा? सब कहेंगे बकवास। उस दिन बच्चे के बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। उस बच्चे ने उस डॉल को अलमीरा के अंदर रख दिया और सो गया। लेकिन असल बात तो ये है कि वो बेचारा बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था। आखिर क्यों उस दिन उसके मम्मी पापा उसके आंखों के अंदर असल डर को नोटिस नहीं कर पाए? आखिर क्यों उस बच्चे के हाथ के कपकपाहट को इग्नोर किया गया? शायद इसलिए क्योंकि वो सिर्फ 4 साल का एक बच्चा था। अब अगले 1 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन आया, घर में सब कोई नीचे वाले फ्लोर पे थे, मम्मी पापा बेटा तीनों नीचे थे। अचानक से ऊपर वाले रूम से इंसान जैसी आवाज आने लगी, कोई अनजान भाषा में कुछ बोल रहा था। मम्मी पापा दोनों ने एक दूसरे के चेहरे के तरफ देखा और तुरंत ऊपर जाकर कमरे को चेक किया। उस दिन के तरह ही रॉबर्ट डॉल बेड पे सीधा बैठकर दरवाजे को घूर रहा था। इस बार तो पेरेंट्स के मन में आने लगा कि इस गुड़िया में सच में कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं। उसके बाद इस डॉल को परिवार ने एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। अब चलते हैं 20 साल आगे। वो बच्चा बड़ा हुआ, शादी किया और दूसरे घर में रहने लगा। रॉबर्ट के मम्मी पापा तब भी उस पुराने घर में रहते थे। कुछ सालों में रॉबर्ट के मम्मी पापा भी मर जाते हैं बूढ़े होने के चलते। तब रॉबर्ट वापस अपने वाइफ के साथ अपने पुराने घर में आता है। पुराने घर में आने के बाद एक दिन ऐसे ही बातों बातों में वो उस डॉल को निकाल कर अपने वाइफ को दिखाता है और बचपन में क्या क्या हुआ था उसके बारे में बताता है। बचपन की घटनाओं का सीरियसनेस कम हो गया था क्योंकि 20 साल बीत चुके थे, लेकिन वाइफ तो डर गई कि मेरे ससुराल में एक हॉन्टेड डॉल है। इसलिए हस्बैंड वाइफ ने ये डिसाइड किया कि वो इस डॉल को स्टोर रूम में लॉक्ड ही रहने देंगे। पर एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो सोच के परे था, बहुत ही अजीब था। एक दिन ऊपर वाले कमरे से आवाज आने लगी, हस्बैंड वाइफ दोनों दौड़कर ऊपर जाते हैं और वो देखते हैं डॉल बेड पर सीधा बैठा हुआ है। घर में हस्बैंड वाइफ के बदले और कोई भी नहीं रहता था, तो एक ताला लगाया हुआ स्टोर रूम के अंदर से बेडरूम पे ये डॉल कैसे आ सकता है? ये देखकर सबकी खून सूख गई। रॉबर्ट को फ्लैशबैक हुआ और उसे पता चला कि बचपन में उसने असल शैतान को फेस किया था। अब वो इस गुड़िया को फेंक देने या जला देने का प्लान किए। जाहिर है कोई भी ऐसा ही करेगा, लेकिन वो इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए क्योंकि वो सोचे कि अगर हम इस गुड़िया को फेंके
या जलाएं तो ये नकारात्मक ऊर्जा शायद गुस्से में आ जाए। तो उन्होंने चर्च से एक पादरी को बुलाया और प्रॉपर शैतान को लॉक करने वाले प्रथा से उस घर के एक अलमीरा में हमेशा के लिए एक पवित्र शीशे में लॉक कर दिया। फिर जिंदगी आगे बढ़ी। अब चलते हैं सीधा 50 साल आगे। रॉबर्ट और उसकी वाइफ बूढ़े हो चुके थे और ये दोनों साल 1974 में चल बसे और उनका कोई बच्चा नहीं था और रॉबर्ट द डॉल अभी भी लॉक था। उसके बाद मार्टिन र्यूटर नामक एक इंसान उस घर को 1974 से 1994 तक ओन किया, पर उसने डॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं किया था। वो ऐसे कहता था, लोग कहते हैं कि मेरे बेसमेंट के शीशे के अंदर वाली डॉल हॉन्टेड है ऐसा। पर उसने डॉल को शीशे से कभी निकाला नहीं था। पर 1994 में उसने इस घर को अचानक से बेच दिया। फटने वाली इंसिडेंट हुई होगी कुछ। मार्टिन रूटर के चेहरे पे घबराहट देखकर आस पड़ोस के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, पर क्या हुआ ये मार्टिन रूटर ने कभी किसी को नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। और इसके बाद जिस इंसान ने उस घर को लिया वो आज तक उस घर को ओन करता है और आज भी वो घर एक गेस्ट हाउस की तरह चल रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अभी ये घर नॉर्मल गेस्ट हाउस होटल की तरह कैसे चल रहा है भला। बात यह है कि उस घर में तो कुछ भी नहीं है, जो भी है वो इस गुड़िया के अंदर है। हुआ ये था, अभी जो उस घर का मालिक है वो जब 1994 में घर लिया था तब जब उसने डॉल अपने घर में बंद पाया और घर के बगल वाले लोगों से इसके पास्ट की कहानियां जाना, तो वो तुरंत इस डॉल से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। उसको कोई पंगा नहीं चाहिए था। उठाया इस डॉल को, गाड़ी के बैक सीट में रखा और पहुंच गया ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम और उस डॉल को म्यूजियम को डोनेट कर दिया। म्यूजियम वाले ने कहा, नाइस स्टोरी, नाइस भूतिया स्टोरी, रख लेते हैं हम, ये यहाँ रहेगा तो इससे हमारी म्यूजियम की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और तब से वो डॉल आज तक इस म्यूजियम में है। म्यूजियम में कब फटनी शुरू हो गई ये तो मैं आपको बताऊंगा, पर उसके पहले ये जानना जरूरी है, ये डॉल जो 1904 में किसी फैक्ट्री में सामान्य तरीके से बना होगा वो हॉन्टेड कैसे बन गया? हर डॉल फैक्ट्री में ही ना बनता है। तो सुनो, कहानी की शुरुआत में आपको घर में काम करने वाली मेड याद है जिसने डॉल को दुकान से खरीद कर बच्चे को गिफ्ट के रूप में दिया था, याद है ना? घर के आसपास के लोग जो सालों से उस आइलैंड में रहते हैं वो ये बताते हैं कि 1904 में जो मेड घर में आती थी उसको घर के लोग मारते थे, पीटते थे, उस पर अत्याचार करते थे और मेड को उस घर में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद था उस छोटे बच्चे के मम्मी पापा के बर्ताव के चलते। पर क्योंकि वो बड़ा परिवार था तो मेड को जबरदस्ती काम करना पड़ता था और कोई गलती करने पर उसे फिजिकली मारा जाता था। तो इसलिए उस परिवार को पनिश करने के मोटिव से उसने दुकान से एक नॉर्मल डॉल लिया, उस पर काला जादू किया, प्रेत आत्माओं को न्योता दिया और किसी मिस्टीरियस प्रथा को करके इस डॉल के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को घुसा दिया। उस काम करने वाली मेड ने अपने शोषण का बदला लेने के लिए परिवार के बच्चे को डॉल एज अ गिफ्ट दिया था। दुनिया भर में कई पैरानॉर्मल ग्रुप्स ने इस डॉल को सामने से देखा और ये पता करने की कोशिश की कि ये आखिर बना कहाँ था, किस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ था और किस दुकान से उस मेड ने इस गुड़िया को खरीदा था। तो पैरानॉर्मल ग्रुप्स के लंबी जांच के बाद ये पता चला कि इस डॉल को स्टिफ नामक एक कंपनी ने बनाया था जो आज के समय में भी बच्चों के लिए खिलौने बनाती है। स्टिफ कंपनी के कर्मचारियों के पास कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स पहुंच गए और इस डॉल का डेटा निकालने को कहा। उन्होंने ये बताया कि 1904 के समय में ये खिलौना उनके दुकान के पर्दे के ऊपर लगा हुआ एक खिलौना था। राह चलते बच्चे दुकान के तरफ अट्रैक्ट हो इसलिए दुकान के पर्दे पे बिल्ली, जोकर, कुत्ता, हंसता हुआ इंसान, ये सब लगे हुए थे और उसी पर्दे में ये डॉल भी लगाया गया था। मतलब ये गुड़िया बेचने के लिए कभी बना ही नहीं था, ये तो दुकान के पर्दे के ऊपर अटैच्ड डेकोरेशन का एक पार्ट था। इसका मतलब उस मेड ने दुकान के पर्दे पे से इसको तोड़ लिया था, यानी डॉल को चुराया था, तोड़ के छुपा कर ले गई होगी और अपना काम किया होगा। अब सवाल ये है कि पैरानॉर्मल दुनिया के एक्सपर्ट लोग आखिर ये क्यों कहते हैं कि आपके घर में जितनी भी चीजें हैं उसमें से गुड़िया में ही आत्माएं सबसे पहले घुसना चाहेंगी।
घर में कोई भी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो घर के सारे चीजों के मुकाबले टॉल में जाने की ज्यादा इच्छा क्यों रखती है? ऐसा इसलिए क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से आत्माएं एक ऐसी जगह खोजती है जो कि ऐसा हो जैसा उनके पास मरने के पहले था, यानी कोई ऐसी चीज जिसके पास दो हाथ हो, पैर हो और इंसान के आकार के नियरेस्ट हो, इंसान जो कि वो कभी थे। और पूरे घर में ऐसी कौन सी चीज होती है जो इंसान के आकार के नियरेस्ट होती है? डॉल्स। और इसलिए ये आत्माएं गुड़ियों में अपना आसरा लेती है ताकि उन्हें पहले जैसा हाथ पैर का सुख मिल पाए। और ये कंसेप्ट इंसानों के पोजीशन को भी एक्सप्लेन करता है। आई नो ये सब सुनने में अजीब लग रहा है, पर जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपना पूरा जीवन भूत प्रेत के स्टडी पे बिता देते हैं। अब वो बात करते हैं जो पेंडिंग थी, म्यूजियम में स्टाफ्स का फट जाना। जब पहली बार उस डॉल को मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया था तब तो किसी स्टाफ का उस पे ध्यान नहीं गया, पर कहते हैं ना वक्त सच्चाई बता ही देता है। कुछ ही दिनों में सबने नोटिस किया कि ये डॉल जहाँ रखा हुआ है वहाँ से अक्सर हंसने की आवाजें आती है। शुरू में आवाज आई सबने इग्नोर किया, लेकिन आवाजें आनी जब रुकी नहीं तब फिर स्टाफ्स आपस में डिस्कस करने लगे कि अरे तुझे भी आवाज आई ना। दूसरा कहता था हाँ मुझे भी आई, तेरे को भी आई थी ना। म्यूजियम के स्टाफ्स के हिसाब से ये डॉल अपना फेशियल एक्सप्रेशंस बदलता रहता है और इस 100 साल पुराने डॉल की आंखें कभी कभी हिलती है। और म्यूजियम के स्टाफ ये भी कहते हैं कि कोई भी इसके फिजिकली सामने आकर इसका मजाक उड़ाता है तो उनके जिंदगी में अनइमेजिनेबल मिसफॉर्च्यून्स आने लगती है, यानी कार एक्सीडेंट, डिवोर्स वगैरह। इस चीज को कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने पोस्ट विजिट मिसफॉर्च्यून भी कहा है। पोस्ट विजिट मिसफॉर्च्यून फॉर फेलिंग टू रेस्पेक्ट रॉबर्ट। आप खुद ही अगर इस डॉल के बारे में रिसर्च करोगे और कोई भी इंटरनेट पोस्ट या कमेंट सेक्शन देखोगे तो आपको लोगों के अंदर मौजूद डर का अंदाजा लगेगा। लोग इतना डर जाते हैं कि वो लिखते हैं सॉरी रॉबर्ट आज मैंने तुम्हारा फोटो देखा, तुम्हें और प्यार मिलना चाहिए। मेरी अभी इतनी फट रही है कि मैं क्या बताऊं, आज कैसे सोऊंगा मैं। चलो फिर भी तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करना, सिर्फ आपके लिए इतना रिस्क लिया है मैंने। और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।